हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी होने वाली है बेहद आसान और खास और प्रोटीन से भरपूर, जिसे हम बनाएंगे चने की दाल से। चने की दाल में पाया जाता है सबसे ज्यादा प्रोटीन। बच्चे दाल खाने में बहुत ज्यादा नखरे करते हैं, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। बच्चे मांग मांग के खाएंगे, गारंटी के साथ बता रहे हैं, और बड़े भी इसके दीवाने हो जाएंगे। तो इस रेसिपी के लिए हमें बहुत ही कम तेल की जरूरत पड़ेगी, 2 बूंद तेल में हम इसे तैयार कर देंगे। खाने में इतनी ज्यादा चटपटी और कुरकुरी है कि आप इसे एक बार चख लेंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। तो चलिए बनाना करते। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 1 कटोरी लिया है चने की दाल। आप इसकी जगह पे मूंग की दाल या उड़द की दाल का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दाल को 3 से 4 घंटे अच्छे से भिगोकर फिर सारा पानी रिमूव कर दिया है। वेट ने ये हमारी दाल 50 ग्राम है। नाप में बताऊं तो एक बड़ी कटोरी है। और आपको भी दाल को भिगो कर लेना है, उबालना नहीं है। दाल जब आपकी भीग जाए तो इस तरीके से चेक कर लीजिए, अगर वो बीच से टूट रही तो समझ जाइए अच्छे से भीग गई है। अगर नहीं भीग रही है आपकी दाल अच्छे से 2-3 से 4 घंटे में, तो आप इसे 6 से 7 घंटे में अच्छे से फुला लेना, तभी इस्तेमाल करना। तो एक मिक्सी का जार ले लेंगे, उसके अंदर हम अपनी दाल को ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो कटोरी थी वो गहरी कटोरी थी, इसमें ज्यादा दाल आ जाती है। अगर आपकी कटोरी छोटी हो तो आप 2 कटोरी ले लेना, अगर आपकी फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी है तो आप इसमें 4 कटोरी दाल ऐड कर सकते हैं। अब 3 इंच की अदरक लिया है। अदरक का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप लोग अदरक नहीं खाते तो आप इसको हटा सकते हैं, लेकिन जो लोग अदरक खाते हैं वो अदरक जरूर डालना। अदरक को अच्छे से वॉश करके छिलके को निकाल कर डालना, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन की कलियां, जो हमारी 5 लहसुन की कलियां है। और लहसुन की कलियां डालने से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर जो लोग लहसुन नहीं खाते तो उसको लहसुन के बिना भी बना सकते हैं, यानी इसको। और अब मैं इसमें 3 ग्रीन चिली ऐड करूंगी, जो मैं इस तरह से तोड़कर डालूंगी। अगर आप लोग ज्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो आप इसमें 2 ग्रीन चिली डाल सकते हैं। और अगर आपकी ग्रीन चिली तीखी ना हो तो आप इसमें 6 से 7 डाल देना। मेरी तीखी वाली है तो मैंने 3 डाली है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच जीरा साबुत वाला। डालने के बाद अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, जितना नमक आपको चाहिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अब बिना पानी डाले हम इसका पेस्ट बनाएंगे, जो दरदरा बनाएंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, अगर आप पानी डालेंगे तो आपकी रेसिपी खराब हो सकती है। तो बिना पानी डाले आप इसे अच्छे से पीस लेना। पीसने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपकी दाल जो होगी वो अच्छे से फूली होगी, तो उसमें खुद ही पानी होता है, उसी से ये पीस जाएगी। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से पीस लिया है, बिल्कुल ही पानी का इस्तेमाल नहीं किया था। अब इसको हम एक बड़े साइज के बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, आपको भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए फटाफट सारी दाल को हम ट्रांसफर कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ट्रांसफर कर लिया। दाल को मैंने बहुत ज्यादा महीन नहीं किया, इस तरह से दरदरा किया है। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना। ये देखिए, इस तरीके से आपको भी दरदरा पीसना है, बहुत ज्यादा फाइन, इसे बहुत ही अमेजिंग सा मसाला। तो यहाँ पे देखिए, 1 चम्मच हम डालेंगे जीरा साबुत वाला, और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच मोटी वाली सौंफ, जो खाई जाती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जीरा और सौंफ का। अब इसमें हम 1/4 चम्मच डालेंगे अजवाइन, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्च, जो हम सिर्फ 4 दाने डालेंगे, तो एक्स्ट्रा मैं निकाल देती हूँ। तो 4 दाने काली मिर्च के जाएंगे। और अब इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी 1 चुटकी तक हींग डाल देंगे। तो यहाँ पे 1 चुटकी डाला है। और अब हम इसमें डालेंगे मगरेल 1/2 टीस्पून तक, तो इसको कलौंजी बोलते हैं, कुछ लोग इसे काला जीरा भी बोलते हैं। अगर आपको इसका नाम पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इस मसाले को हम धीमी धीमी आंच पर अच्छे से भून लेंगे, और इस मसाले का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। और आप इस रेसिपी में इस मसाले को बिना मत यूज करना, इस मसाले को जरूर यूज करना। तो देखिए, मैंने अच्छे से भून लिया है, और इसे भूनने में मुश्किल से 5 से 10 सेकंड का टाइम लगता है। मसाले हमारे भून गए हैं, अब इसको हम निकाल कर साइड में रख देंगे और इसको हम सर्व कर। देखिए, जो हमारा मसाला था, जो हमने भुना था, ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया। अब इसे मिक्सी के जार में मत डालना, इसको इस तरह से किसी चकले पे या चॉपिंग बोर्ड पे रख के हल्का हल्का सा इस तरह से बीच से क्रैक कर देना बस। और इस मसालों की जो खुशबू है, टेस्ट है, वो इसी तरीके से आएगा। अगर आप इसको पीस देंगे तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। आप चाहें तो बेलन से एक बार बेलन को चलाकर इसको हल्का हल्का सा इस तरह से कर सकते हैं। तो जब आपका बिल्कुल अच्छे से ठंडा होगा तो काफी क्रिस्पी हो जाएगा, और आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से हमारा ये दरदरा मसाला रेडी हो चुका है, ना ही पानी ऐड करना है। तो फ्रेंड, अपना हम ये वाला मसाला ऐड करेंगे, जो हम 2 से 3 चुटकी ही डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। और अब इसके अंदर क्या क्या डालेंगे आपको बताते हैं। 1/4 चम्मच हम इसके अंदर हींग डालेंगे, और 1/2 नींबू का रस इस तरीके से निचोड़ कर डालेंगे। अगर आपके पास ताजा वाला नींबू का रस ना हो तो आप इसकी जगह पे खटाई डाल लेना, बासी नींबू का रस मत डालना, मार्केट वाला वो अच्छा नहीं होता है और ना ही हेल्दी होता है। और अब इसमें हम 1/2 टीस्पून तक टर्मरिक पाउडर,
और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है तो इसीलिए लाल मिर्च की मात्रा को कम किया है। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अपना गरम मसाला। इसकी रेसिपी जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी, आप लोग घबराना नहीं। और अब इसमें हम क्या डालेंगे, ऑयल। तो एक चम्मच ऑयल डालेंगे जो हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडा ऑयल नहीं डालना है। तो ऑयल डालने से काफी कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। और अब हम सारी चीजों को, मसाले को दाल के अंदर अच्छे से मिला देंगे। और अब इसमें हम क्या डालेंगे जो टेस्ट को बढ़ाता है और सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, वो है नाश्ते की जान फ्रेश हरा धनिया, जिसको हमने अच्छे से वॉश करके रख दिया है ताकि इसका सारा पानी खत्म हो जाए, तब इसको हम कट करके डालेंगे। और आपको भी हरा धनिया डालते समय ख्याल ये रखना है कि इसमें बिल्कुल ही पानी यानी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर आपके धनिया में मॉइस्चर होगा तो नाश्ता चिपचिपा हो जाएगा और आपकी सारी मेहनत जो आपने दाल को बिना पानी डाले पीसा है वो बेकार हो जाएगी। तो फ्रेंड ये गया हमारा 3 से 4 चम्मच हरा धनिया। अगर आप लोग इतना हरा धनिया नहीं खाते तो आप कम कर सकते हैं, और आप इसकी जगह पे कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं अगर आपको हरा धनिया नहीं पसंद है, और आप इसकी जगह पे पुदीना भी डाल सकते हैं। तो हरा धनिया डालने से टेस्ट भी अच्छा आता है और लुक भी प्यारा आता है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजों को मिला दिया है, अब इसको हम साइड में रख देंगे, चलते हैं गैस की तरफ। आगे का हम गैस पे करेंगे, तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, एक हमने पैन रखा है, अब इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी नाप के चाय वाला, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप इसकी जगह पे रिफाइंड ऑयल या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी डालने से काफी अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे मैंने भैंस का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो गाय वाला घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे घी और पानी को अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे, यानी पानी में घी को मेल्ट हो जाने देंगे, ये कहने का मेरा मतलब था। तब तक हम वेट करेंगे। अब इसमें हम 2 चुटकी नमक डाल देंगे, बस काफी है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। तो देखिए हमारा जो घी था बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुका है, पानी में भी 1 उबाला आ चुका है और इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। अगर आपको चावल के आटे की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इसकी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। और चावल का आटा आप घर में आसानी से बना सकते हैं या मार्केट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसमें सूजी को बारीक करके भी डाल सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। तो फ्रेंड अब इसमें हम 1 कटोरी डालेंगे जो वेट में हमारा मुश्किल से 50 ग्राम है, और ये हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, एक साथ मत ऐड करना, और इस तरह से चलाते जाएंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, ना बहुत ज्यादा हाई रखना है ना बहुत ज्यादा लो रखना है। अगर आप लो रखेंगे तो अच्छे से कुक नहीं हो पाएगा। और एक साथ मत डालना, डालकर आप मिलाते जाना इस तरीके से, ये देखिए। और बाकी बचा भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको हम धीमी धीमी आंच पर अच्छे से कुक करेंगे। तो घी डालने से इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा, अगर आप सरसों का तेल डालेंगे तो इसमें एक पीलापन आ जाएगा और रेसिपी का लुक अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए जितना पानी मैंने डाला था उसी के हिसाब से डाला था, यानी आटे के हिसाब से। अगर आप 2 कटोरी आटा लेंगे तो 2 कटोरी आपको पानी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीजों को मिलाते हुए इस तरीके से इसका बना लिया है, और ये जब पैन छोड़ने लगे तो समझ जाइए हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से, ये बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर हमने गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इसको हम 1 से 2 मिनट तक इसी तरीके से छोड़ देंगे, फिर इसके बाद हम यूज करेंगे। तो फ्रेंड ये देखिए हमारा 1 से 2 मिनट के बाद इस तरीके से आ चुका है, और जब आप इसको लेंगे तो बिल्कुल अच्छे से, ये देखिए इस तरीके से गोला बनना चाहिए, हो गया परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल कर ठंडा कर लेंगे, जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब हम इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है। तो फ्रेंड देखिए इतना हल्का सा ठंडा हो चुका है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। अपने हाथों को हम हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे इस तरह से, और हल्का सा गर्म होगा तभी, अगर आपको ज़्यादा गर्म लगे तो आप थोड़ा सा वेट कर लेना, इसको और ठंडा कर लेना, जितना आप बर्दाश्त कर पाए उतने पे आपको काम करना स्टार्ट करना है। तो फ्रेंड इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर लेंगे इतने भाग को, और अपने हाथ को जो हमने ग्रीस किया है अब उसी हाथों से हम काम करेंगे, इस तरह से पोर्शन लेंगे, और इसका हम इस तरह से भाग निकाल देंगे, और इसका हम इस तरह से लोई तैयार करेंगे। तो हल्का सा आप ऑयल लगा लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से फ्लैट करेंगे। तो ऑयल लगाने की वजह से ये चिपकेगा नहीं आपके हाथों में, आप चाहे तो केले के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वो आसानी से ना मिले तो आपके हाथ तो आपको आसानी से ही मिल जाते हैं, आप इससे काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कटर हो तो आप इसको डिजाइन भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसे सिंपल बनाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से पूड़ी का आकार मैंने दे दिया है इसे, और अब हम इसको इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पे जो हमारा मसाले वाला था दाल तैयार, उसको हम इसके अंदर इस तरह से एक साइड में अच्छे से लगा देंगे। और
और इसको हम इस तरह से इसके ऊपर अच्छे से लॉक करेंगे और शेप दे देंगे इस तरह से, और इसको हम बंद नहीं करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, इस तरीके से मैंने बिल्कुल अच्छे से दाल को फिल कर दिया है, और इस तरह से हल्का हल्का सा हम प्रेस कर देंगे, पूरा चिपकाने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह बाकी भी तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं डियर। तो फ्रेंड देखिए, मैंने इतने बना लिए हैं, बाकी मैंने रख दिया है, मैं बाद में बनाऊंगी। आप भी इस तरीके से बना के रख सकते हैं, जब आपका मन हो या मेहमान आए आप निकाल के बना सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम बनाने के लिए क्या करेंगे, इस तरीके से ये बर्तन जो छेन छेन आता है होल होल, ये वाला हम ले लेंगे, और इस पे हम थोड़ा सा ऑयल जरूर लगा लेंगे ताकि ये चिपके ना। तो एक से दो बूंद ऑयल को लगा के इस तरीके से फिंगर की मदद से अच्छे से इसको ग्रीस कर देना है। तो जो भी बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा ताकि ये आपस में चिपके ना, और इस तरीके से हम इसको लगा देंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पे ताकि ये आपस में बिल्कुल भी चिपके ना। ये देखिए, अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ, चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड बनाने से पहले थोड़ी थोड़ी सी कस्तूरी मेथी इस तरीके से इसके ऊपर डाल देंगे तो लुक प्यारा आ जाएगा। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालना, लेकिन मैं थोड़ा सा डाल दूंगी ताकि थोड़ा सा ये डेकोरेट हो जाए और ऊपर से प्यारा सा लुक आए। तो यहाँ पे कसूरी मेथी मैंने इस तरह से हल्की सी हाथ से पीस लिया है और डाल दिया है। चलते हैं गैस की तरफ बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, एक कढ़ाई ली है, इसमें हमने 3 से 4 गिलास पानी लिया है जो आधा लीटर होगा आराम से, और इसको हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। और अब इसके ऊपर हम अपने छन्ने को इस तरीके से लगा देंगे, और अब इसको कवर करके हम 5 मिनट तक स्टीम करेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर इसे नहीं स्टीम करेंगे ताकि दाल अच्छे से कुक हो जाए। ये वाला हमारा कुकी है तो इसको सिर्फ 5 मिनट लगेगा। तो चलिए करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुके हैं इसे स्टीम होते हुए, अब इसे हम निकाल कर ठंडा करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये हल्का सा ठंडा हो गया, अब इसको हम खोल कर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो चुका है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से कुक हो गया है, अब इसको हम प्लेट में सर्व करते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा नाश्ता। देख लीजिए कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है देखने में, खाने में से ज्यादा टेस्टी है। दूसरी बात, ऑयल फ्री है, आप इसे दिल खोल के खा सकते हैं। और इसका फाइनल लुक देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप इसमें हरा धनिया भी लगा सकते हैं अगर आपके पास कसूरी मेथी ना हो। और आपको ये अमेजिंग सी रेसिपी कैसी लगी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं। इसे मैंने केचप के साथ सर्व किया है, ये मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर कर दूंगी। और अगर आप चाहे तो इसे मोमोज वाली चटनी के साथ भी खा सकते हैं, या फिर नारियल वाली चटनी के साथ भी खा सकते हैं, उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी अगर आपको चाहिए। तो चलिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ, आप भी बनाइए खाइए। बहुत ही ऑयल फ्री ये नाश्ता है और काफी ज्यादा हेल्दी है, और आप इसकी जगह पे कोई और दाल भी यूज कर सकते हैं। दाल देखिए हमारी कितनी अच्छे से कुक हो चुकी है। तो बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।